नमस्कार, मैं नुपुर। इंसानी फितरत जो जवानी से लेकर बुढ़ापा तक दौड़ता ही दौड़ता रह जाता है कुछ पाने के लिए, सब कुछ पाने के बावजूद जब वसीयत बनता है तो एक आदमी ऐसा भी वहाँ पे होता है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और सारी संपत्ति को बंटवारा करने के बाद, वसीयत करने के बाद, वो आदमी ही वंचित रह जाता है उस अधिकार से जो हमेशा करता है। यानी दस्तखत करने के बाद वो सभी लोग हकदार बन जाते हैं, लेकिन वो खाली हाथ रह जाता है जिससे वो जवानी से लेके अब तक दौड़ता रहा पाने के लिए, और उसके बाद सिग्नेचर किया और वो हक खत्म हो जाता है और वही इंसान खाली हाथ रह जाता है। इसीलिए कहा गया है खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना है। फिर इस भागम भाग में हम किसी के दिलों को जख्मी क्यों करते हैं, क्यों तकलीफ देते हैं? सिकंदर महान ने भी यह दिखला दिया था और इस नाम से कोई वंचित नहीं, जिन्होंने कहा था कि हमारा हाथ कफन के अंदर बंद मत करना, हमारा हाथ खाली ही जाएगा। पूछा गया था क्यों? कि ताकि लोग देख सके कि सिकंदर जैसे महान योद्धा भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वो सफर कर रहा है। अंतिम अवस्था यही होती है कि खाली हाथ ही इंसान रह जाता है यहाँ पे इस दुनिया में। सिर्फ आपकी वो यादें जो आपने प्रेम की यादें या नफरतों की यादें आप जो बांटते हैं, तो कोई आपको नफरत की दृष्टि से देखता है और कोई मोहब्बत भरी दृष्टि से देखता है, तो क्यों नहीं मोहब्बत को बांटते चले। नफरत का बीज ही क्यों बोना है जब खाली हाथ ही रहना है और खाली हाथ ही जाना है। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जब सिकंदर खाली हाथ गए, ये कोई पहली बार हम बोल नहीं रहे हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। उस मंजिल पे जाकर के याद आता है कि नहीं, और सारी कल्पनाएं वहां ठहर जाती है जब दूसरे की वो अग्नि में जब प्रभावित होते हैं इंसान, और उसमें जब अग्नि को वहां पे लगाया जाता है और वो शरीर बिल्कुल राख बन करके मिट्टी में मिलने को होती है, तो इंसान की आंखें खुल जाती है और कहा जाता है कि नहीं, कुछ नहीं जीवन में। लेकिन फिर जब वो अपने घर गृहस्थी में लौटते हैं तो सने सने फिर वही चापलूसी, वही लालचपन, वही की उम्रता चला जाता है। सभी की विषय में ऐसा नहीं बोल रहे हैं, 10% आज भी इस दुनिया में लोग तो हैं जो दूसरे के लिए अपनों के लिए भी सोचते हैं। लेकिन बस यही वसीयत के विषय में कहना था कि सभी लोगों को मिल जाता है, सभी लोग माला माल हो जाते हैं, जो उस क्षण तक सिग्नेचर के पहले तक वो अधूरे होते, उनके पास कोई संपत्ति नहीं होता, खाली हाथ होते, उनका हाथ वो इंसान सिग्नेचर करके भर देता है और खुद खाली हाथ रह जाता है। यही तो जीवन की सच्चाई है और इसे समझना